तबला लवर्स एंड स्टूडेंट्स लर्न क्लासिकल तबला विद थ्योरी, शास्त्रीय तबला वादन के अंतर्गत आज प्रस्तुत है एक बहुत ही प्रसिद्ध टुकड़ा। धा धा इसमें देखिए, जैसा कि धा तबले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोल है, तो इस टुकड़े का भी शुरुआत धा से होता है। धा आपको पता है कैसे बजता है, इसके हम एक एक बोल को बजाकर आपको दिखाते हैं। धा टुकड़ा चूंकि पूरब बाज की विशेषता है, तो थोड़ा सा धा जो है इसमें लव का भी प्रयोग कर लिया जाता है, यानी चांटी और लव के बीच की स्थिति, यानी ये चांटी है और ये लव यानी सुर है या मैदान इसको कहते हैं। तो थोड़ा सा लव का प्रयोग करते हुए, यानी सुर यानी जिसे मैदान कहते हैं उसको टच करते हुए धा इसमें बजाया जाता है। तो ये देखिए धा धा धा, तो धा में बजाते समय जैसा कि ये रिंग फिंगर हमारी है, ये रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली को हम यहाँ पर स्थिर करते हैं और चाटी और लौ को टच करते हुए इंडेक्स फिंगर्स यानी तर्जनी उंगली से हम यहाँ पर प्रहार करते हैं और साथ में घे या घे का भी प्रयोग करते हैं, तो ये धा होता है। और ये याद रहे कि जो हमारी बीच वाली उंगली है, बीच वाली उंगली टच नहीं करनी है कहीं भी, नहीं साउंड बदल जाएगा, ध्वनि बदल जाएगी। और इंडेक्स फिंगर का जब हम प्रहार करते हैं, स्ट्रोक करते हैं, तो तुरंत उंगली ऊपर उठा ली जानी चाहिए। ऊपर तुरंत उठा लेंगे तो ता या ना या धा का साउंड आएगा, ये नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से शुरू शुरू में जो विद्यार्थी होते हैं, जो तबला सीखने वाले होते हैं, तो ये दबा देते हैं, नहीं इसको ये उठाना है और ये दबा के ये उठा देते हैं लोग, तो ये नहीं करना है। क्या करना है, ये करना है, ये ऐसे। तो ये है धा धा। और ये बाएं में देखिए, ये हम ये ऐसे लाते हैं, ये और ये, तो धा धा। दिन में क्या करते हैं, ये चारों उंगली जोड़कर, दिन जो है पखावज यानी मृदंग का बोल है और मृदंग में जैसा कि पता है कि चार उंगलियों का जोड़कर ज्यादा प्रयोग होता है, तो इसमें हम दिन, ये जो है ये जो चार उंगलियां हैं, ये चार उंगलियों को जोड़कर ये जो हिस्सा है, ये पार्ट ये यहाँ लगता है यहाँ, और ये जो है ये आगे का हिस्सा यहाँ स्याही पे टच करके तुरंत उठ जाता है ऊपर। ये देखिए, ये हम स्ट्रोक करते हैं, ये लगता है और ये तुरंत एक्शन लेके ये तुरंत ऊपर होता है ये। तो दिन ऐसे होगा, ये दिन यानी हम प्रहार यहाँ करेंगे, लेकिन ये हमारा फ्लेक्सिबल होती है फिंगर, ये फ्लेक्सिबल होती है। जब हम प्रहार करते हैं, फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये नीचे की ओर मुड़ती है और यहाँ पर लग कर यानी स्याही पर लग कर ये तुरंत ऊपर खुल जाती है, तो खुला हुआ साउंड आता है दिन। तो धा धा दिन, दिन, ना ना जैसा कि पता है चाटी में बसता है, ना ना ताकि तरह ही बसता है, तो ना ना, तो धा धा दिन, दिन, ना ना। ए, ये देखिए, ये तीन उंगली को जोड़कर हम स्याही पर दबा कर, यानी इसका साउंड दबना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए। तो ते या ती, ते को ती भी बोलते हैं कुछ लोग, कुछ लोग ते भी बोलते हैं, दोनों सही है, उच्चारण अलग अलग हो सकता है, बसता एक ही तरीके से है। तो ते, ते के बाद टा, तो जहां हम ते बजाते हैं वहीं पर हम ये उंगली को खसका के ये टा का प्रयोग करते हैं। ते, ते, तो ते, 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 ते और टा दोनों का साउंड दब कर आएगा, दबाते हैं हम स्याही पर, तो ते, 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 ते,
बाएं हाथ पे हम हमेशा का बसते हैं, का बाएं हाथ में बसता है डग्गा में, और इसको हम ये ऊपर उठा के हम दबा देते हैं, का, ये है का, का ए, ए, यानी फिर देखे शुरू से, तो धा धा से देखे धा धा ना ना ए ए ए ए का ए ए का ए ए का ते धा 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 का टुकड़ा शास्त्रीय तबला वादन में प्रयोग किए जाने वाली एक बंदिश है जो अविस्तारशील कहलाती है। अविस्तारशील मतलब इसमें पलटे और प्रस्तार नहीं होते हैं। टुकड़े के कई प्रकार होते हैं। एक साधारण टुकड़ा होता है, एक चक्रदार टुकड़ा होता है, जिस पर हम कभी आगे चर्चा करेंगे। टुकड़े की जो विशेषता होती है, क्या होता है कि तबले में हर बंदिश यानी जैसे कायदा है या रेला है या पेशकार है या परन है, उसके कुछ कुछ बोल निश्चित होते हैं, लेकिन टुकड़े में ऐसा कोई सर्वमान्य नियम नहीं है। यानी तबले पर बजने वाले हर बोलों का प्रयोग टुकड़े में होता है। तबले के जितने भी बोलों के समूह हैं, बोलों के फ्रेजेज हैं, यानी जितने भी बोल समूह हो सकते हैं, उन सब का प्रयोग टुकड़े में होता है, इसीलिए इसका नाम टुकड़ा है। और दूसरी बात क्या है, जो भी बंदिश तबले में बजाई जाती है और जिसका नामकरण हम नहीं दे पाते हैं, उसे अमूमन टुकड़ा कह दिया जाता है। यानी टुकड़ा एक बहुत ही व्यापक शब्द है, बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है इसके अंतर्गत, बहुत इसके प्रकार होते हैं, और इसका प्रयोग तबला एकल वादन यानी सोलो और संगत, और संगत में विशेषकर कथक नृत्य के साथ और इंस्ट्रूमेंट यानी वादन संगीत के साथ इसका बहुत प्रयोग होता है, और कभी कभी गायन यानी ख्याल गायन के संगत में भी, और सेमी क्लासिकल और लाइट म्यूजिक में भी कभी कभार भजन वगैरह में छोटे छोटे टुकड़े प्रयोग में लाए जाते हैं। टुकड़े पर और आगे हम कभी चर्चा करेंगे। तो अब देखिए, हम इसको चूंकि कोई भी बंदिश बजाने से पहले उस ताल का ठेका बजाया जाता है, तो सबसे पहले हम तीन ताल के ठेके के साथ यानी तीन ताल के ठेके के साथ हम इस टुकड़े को बजाकर एक बहुत ही आसान लय में, जिसको आप समझ सके, प्रस्तुत कर रहा हूं। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन ता ता धिन धिन धा 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 धिन धिन ना ना ते 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 का ते ते का ते ते का ते धा 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 की और थोड़ी सी लय बढ़ाकर देखते हैं। थोड़ा सा स्लो मोशन देखिए, धा धा
ए ए ए ए का ए ए का ए ए का ए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और आप कमेंट्स भी ज़रूर भेजें। हम फिर हाजिर होंगे अगले बहुत ही आकर्षक वीडियो के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर।